हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेकाडोन मास्टर चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में हम एक नाइट लैंप बनाना सीखेंगे जो आरजीबी लाइट से ऑपरेट होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले आरजीबी एलईडी चाहिए। आप इस ये है आरजीबी एलईडी। आप इसमें 3 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो वेरिएंट में आती है, कॉमन एनोड के साथ और कॉमन कैथोड के साथ। कॉमन एनोड का मतलब होता है कि जिसमें सभी एनोड्स कॉमन होती हैं जो मेरे पास है, और कॉमन कैथोड में जिसमें सभी एलईडीज की नेगेटिव पिंस कॉमन्स होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमें आर्डिनो नैनो चाहिए। आप इसमें ऊनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर्डिनो नैनो पोर्टेबल है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। और एक 40 ओम का, मेरे पास 40 ओम का नहीं था तो मैंने 220 ओम का रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के इसे 40 ओम का बना लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए हम सबसे पहले आर्डिनो नैनो के स्कीमेटिक्स को जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस पेपर पे आर्डिनो नैनो का स्कीमेटिक्स ड्रॉ कर रखा है, और आप इसमें देख सकेंगे कि इसमें बहुत सारी पिंस हैं। आपको जितने भी डी से रिलेटेड पिंस देख रही हैं ये सारी डिजिटल पिंस हैं, लेकिन हम सभी डिजिटल पिंस का यूज़ नहीं कर सकते आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम कुछ ही पिंस का यूज़ कर सकते हैं आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करती हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये होता है पीडब्ल्यूएम का सिंबल। जैसे कि इसमें D3, D5, D6 और अप टू D11 तक हैं, ये सारे इसकी पीडब्ल्यूएम पिंस हैं। और पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, मतलब इसमें जो सिग्नल होता है वो ये हर एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी ऑसिलेशन चेंज करता रहता है। तो हम इस पिन का यूज़ करेंगे अपने आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर, हमारे पास आरजीबी एलईडी है, मतलब उसमें 3 रेड ब्लू और ग्रीन है, तो हम इसमें सिर्फ 3 ही पिन्स का यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा D3, D6 और D9। आप इसके अलावा और दूसरी पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो PWM पिन से ही होनी चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी 5mm LED को मैंने पहले से इसमें ऑलरेडी वायर सोल्डर कर रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसकी ब्लू है, ये इसकी रेड है, ग्रीन है, और ये हमारी कॉमन एनोड है वाइट रंग की। तो हम सबसे पहले आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ 100 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। हम 100 ओम का रेजिस्टेंस का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी एलईडी 3.7 वोल्ट की होती है, और 5 वोल्ट के सप्लाई देने से हमारी एलईडी फ्यूज़ हो सकती है। तो हम करंट को कंट्रोल करने के लिए 100 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आर्डिनो नैनो में 3 वोल्ट की आउटपुट पावर सप्लाई भी होती है, लेकिन हम इसका यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सफिशियंट करंट नहीं होती 3 LEDs को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए हम इसमें 5 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। ये हमारी एलईडी की कॉमन एनोड है।
हम रेड एलईडी के साथ 40 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, बिकॉज रेड एलईडी हमारी 2.2 वोल्ट की होती है, तो हम उसे 3.7 वोल्ट से डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसके साथ 40 ओम का रेजिस्टेंस अटैच कर रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं, अब बाकी एलईडीज की वायर्स को अब डिजिटल पिन के साथ हम अटैच कर देते हैं। हमारी LEDs के साथ Arduino की सर्किटरी कंप्लीट हो गई है। नाउ हमें इसमें प्रोग्राम अपलोड करना है, तो लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। और हमने अपना Arduino IDE ओपन कर लिया है और इसमें मैंने अपना प्रोग्राम भी ओपन कर रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सभी डिजिटल पिन्स को डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पे मैंने आउटपुट भी वॉइस सेटअप में दिख रखा है और यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, जैसे फॉर रेड एलईडी, फेडिंग फॉर ब्लू, और इसमें ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। आपको जैसा कि लग रहा होगा कि प्रोग्राम थोड़ा लेंथी है, इसकी वजह इसलिए कि इसमें हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को राइट कर रखा है, इसकी वजह से प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो गई है, लेकिन इसी की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट एलईडीज के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने Arduino को डेटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं कि अब हमारा Arduino डेटा केबल के साथ कनेक्ट हो गया है प्रॉपर। नाउ फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है Arduino में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारी एलईडी अलग अलग कलर में फीड हो रही है।
आओ फ्रेंड्स, अब हमें एक डिफ्यूजर चाहिए। ये आपको किसी भी पुराने नाइट लैंप से मिल जाएगा। अब हम इसमें अपनी एलईडी को फिट करेंगे। हमारी एलईडी इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसका फेडिंग इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें अप टू 20-25 फेडिंग इफेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस पर लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इससे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा।